बीच हम आपको अपडेट कर दें, सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। आज जयपुर से हेलीकॉप्टर से वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोपहर 12:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का कार्यक्रम है। 15 जीआरजी में कांग्रेस पदाधिकारियों की एक बैठक भी है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन और बैठक में शरीक होने वाले हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज दोनों ही दिग्गज दिल्ली में है, सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट। पहले राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम और उसके बाद 15 जीआरजी में लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें प्रभारी अविनाश पांडे की भी मौजूदगी देखने को मिलेगी। और ये एक रूटीन मीटिंग आप कह सकते हैं इसको, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों में है कांग्रेस पार्टी। और इस कड़ी में हर दिन हम आप तक नई खबर पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चुनावी माहौल में कदम आगे बढ़ा रही है कांग्रेस पार्टी। तो एक्शन में है गहलोत, लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन, और सचिन पायलट प्रभारी अविनाश पांडे की भी मौजूदगी रहेगी। 15 जीआरजी में ये बैठक होनी है और इस बैठक के जरिए ये डिस्कस किया जाएगा कि मिशन 25 के तहत और क्या कुछ फेरबदल और कौन सी रणनीति पे फोकस किया जाना है। इस बीच हमारी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, किन बातों पे फोकस किया जाना है? हालांकि इसको रूटीन बैठक ही माने, क्योंकि इस तरीके की कई बैठकें इससे पहले भी हो चुकी हैं और आगे भी होनी है। फिर से हमारी जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है ये सीएम अशोक गहलोत का, जहां वो राष्ट्रपति से पहले मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, वहां उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है उसमें प्रभारी अविनाश पांडे, डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट और साथ ही साथ और भी कई दिग्गज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स मौजूद रहने वाले हैं। और जैसा कि हमने पहले भी आपको अपडेट किया कि ये बैठक लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अदिति नागर हमारी सहयोगी और साथ साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, अपडेट कीजिए इस खबर को और साथ साथ क्या मकसद, लोकसभा चुनाव ही है मकसद? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रियों के व संगठन के फीडबैक पर वरिष्ठ नेताओं के संग आज 15 जीआरजी पर बैठक होगी और अविनाश पांडे प्रभारी बैठक में मौजूद रहेंगे। और उन्होंने अभी एक बयान में भी यही बातें बताई हैं, जिसमें ये तमाम लोग बैठक फीडबैक, जो अभी तक का फीडबैक लोकसभा के लिए लिया गया है, उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियां, संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाएगी। क्योंकि पूरे विधानसभा चुनाव में प्रभारी अविनाश पांडे और उनकी टीम ने मेरा बूथ मेरा गौरव के चलते कार्यकर्ताओं से तमाम जो संपर्क चला था उसको आज बढ़ाने का काम होगा। 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच 25 लोकसभा में 225 कैंप आयोजित किए जाएंगे और जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो तो क्या कुछ जो है पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा इन कैंपों में सभी विषयों से जुड़े विशेषज्ञों को बुलाकर ट्रेनिंग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस और मेथड के तहत लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस उतरने की तैयारी कर रही है। तमाम वरिष्ठ नेताओं से जो फीडबैक आए उस पर चर्चा होगी। मेरा बूथ मेरा गौरव, क्योंकि जैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मानती है कि बूथ जीता तो बिल्कुल। अदिति, जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक्टिव है उसको देखकर लगता नहीं है कि कहीं से कोई गुंजाइश पार्टी छोड़ने वाली है। मिशन 25 को लेकर अलर्टनेस इस कदर कि आज हमने सुबह ही अपने दर्शकों को एक खबर अपडेट की कि जो कांग्रेस पार्टी के बागी चेहरे हैं और वो जो जीत कर आए हैं, प्रभारी अविनाश पांडे ने राहुल गांधी और इनके बीच सेतु का काम किया और मुलाकात के लिए तारीख भी उनसे लेने की कोशिश में है, वो मुलाकात होनी है। तो क्या माना जाए कि लगातार ये कोशिश रहेगी? अदिति से हमारा संपर्क टूट गया है, हम आगे भी कोशिश करेंगे। और इस बीच हम स्पीकर सीपी